Hello everyone, myself Dr. Daksh Mahajan. I am the consultant urologist and kidney transplant surgeon associated with Amandeep Group of Hospitals. हम अपनी जो सीरीज है मिथ्स एंड फैक्ट्स की, उसके रिगार्डिंगली लास्ट टाइम हमने किडनी स्टोन्स के ऊपर कुछ एक मिथ्स ब्रेक किए थे. आज मैं एक नया मिथ लेके आया हूँ प्रोस्टेट के रिगार्डिंग. उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो सच्चाई है उसको देखेंगे कि क्या वो वाकई फैक्ट है कि भी है कि नहीं. तो जो आज हम मिथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जब भी पेशेंट्स को, खासकर ओल्डर पेशेंट्स जो होते हैं 55-60 ईयर्स के ऊपर, उनको प्रोस्टेट की जो बीमारी का जब डिटेक्ट होती है तो वो एकदम से ये डर जाते हैं कि हमें प्रोस्टेट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसका और कोई किसी तरह का पक्का इलाज नहीं है. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गलत धारणा है. जब भी प्रोस्टेट किसी को डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारा एक 3-step प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का. तो उसके जो प्रोस्टेट के साइज़ हैं, उनके सिम्टम्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. कई लोगों में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही प्रोस्टेट के सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं. अगर इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद पेशेंट्स को सिम्टम रहते हैं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. उसमें हमारे पास कुछ एक तरह के डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम अकेले या कॉम्बिनेशन में प्रेस्क्राइब करते हैं. काफ़ी लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशंस के साथ ही फ़र्क पड़ जाता है और उन्हें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. हाँ, जिन पेशेंट्स को इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं या उनका प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा है जिससे यूरिन की पीछे रुकावट हो रही है या किडनीज को इफेक्ट हो रहा है, उन्हीं पेशेंट्स में हम सिर्फ सर्जिकल ऑप्शंस फिर एक्सरसाइज करते हैं और जो ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होती है वो हम एडवाइस करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत आई है तो उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र हथियार है हमारे पास. हम पहले आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, आपको मेडिकेशंस देंगे और अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तभी हम आपकी सर्जरी करेंगे. तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और मिथ ब्रेक करने के लिए. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें. थैंक यू.